आज उसके साथ है। जब रवि बीजेपी भाजपा में है तो हम भाजपा में खड़े हैं, जब रवि निर्दलीय खड़ा हो तो हम उसके साथ है। और किसी अहमक ने लिखा था कि इशारा है सियासत का गर्दी से गर्दून में कि जल्द ही हम कोई सख्त इनकलाब देखेंगे। और मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जो इसको दबा रहे इस बंदे को, उनको कहना चाह रहा हूँ कि चाहे लाख आंधियां उठे हजार बर्फ गिरे, वो जो फूल खिलने वाले हैं वो खिल कर रहेंगे। रौसा भाटी विशेष का कोई विरोध नहीं है। पश्चिमी राजस्थान की धरा के इस अंधकार को, इस तिमिर को हटाने वाला, लेकिन रेगिस्तान की सरजमीन से एक लाल उदित हुआ, एक सूर्य उदित हुआ था, जिसने इस राजस्थान के, पूरे राजस्थान के अंदर अपना नाम, अपना परचम और अपना डंका बजाया था। आप इस बात को सारे गौर कीजिएगा और पूरे राजस्थान गवाह है इस बात का, राजस्थानी ने अपितु पूरा भारतवर्ष इस बात का गवाह है कि एक ऐसा युवा जिसने 57 साल के अंदर पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के अंदर निर्दलीय तौर पर खड़ा होकर के जीता है, वही बंदा जब खड़ा होकर के अगले साल में राजस्थान के सूबे के मुख्यमंत्री के सामने खड़ा होकर के उसके बेटे के चैलेंज को चुनौती के रूप में लेकर के और वहाँ उसके सामने खड़ा होकर के उसको पटकनी देकर के इस राजस्थान में अपना इकबाल बुलंद करता है, ऐसे युवा को जब बीजेपी अपने साथ जोड़ती है तो उसके साथ हम हजारों युवाओं का कारवां जुड़ता है। ये एक अकेला रवि नहीं आया था, उसके साथ में लाखों की फहरिस्त में हम युवा जुड़े थे। हमारा किसी संगठन, किसी पार्टी से, कोई व्यक्ति विशेष से कोई विरोध नहीं है। विरोध बस इस बात का है कि जिस बंदे के नाम पर आपने एक पार्टी से एक ही समय में लाखों कार्यकर्ता जोड़े थे, हम सब जिंदाबाद, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ।